शादी जैसे ही हुई इस एस्ट्रोलॉजी का करियर छत फाड़ के ऊपर चला गया। और भाई साहब कोई एक रस्म हो जो इन्होंने छोड़ी और जिन पे ब्लॉग ना बनाया हो, ओए होए होए, दूध पिलाई, जूता छुपाई, चटनी चटाई, मुंह दिखाई, मुंह लगाई, मुंह धुलाई, घूंघट उठाई, रस्म लाई, चिट्ठी कलाई, मुंह फुलाई, सब पर ब्लॉग्स भाई साहब, और पर बेटी एक ब्लॉग आया, यानी 5 ब्लॉग्स हैं हर एंगल से। दोस्तों समो भाई आ चुके हैं रोस्टिंग में, इनका कमबैक हो चुका है, फिजान का रिएक्शन में कमबैक हो चुका है, बहुत दिन के बाद रिएक्शन करने बैठा है ये भी, तो देखते हैं भाई इन्होंने किस तरह सिस्ट्रोलॉजी को आज रोस्ट किया है। और इनकी रोस्टिंग स्किल्स मुझे बहुत पसंद थी, हमने इनके पुराने बहुत सारे वीडियोस पर रिएक्शन किया हुआ है, आप चाहे तो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, इनके रिएक्शन इन पर रिएक्शन किया हुआ है हमने, तो देखते हैं अब इनका कमबैक रोस्ट कैसा है। तो शुरू करते हैं अभी को। गो। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। जैसे कि आपको पता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो फैमिलीज में चलती हैं, जैसे पित्ते में पथरी, गुर्दे में पथरी, दिल का दौरा, इसी तरह एक और बीमारी है जो आजकल फैमिलीज में चल रही है और वो है डेली व्लॉगिंग। आइए दोस्तों आज एक ऐसे खानदान से आपको मिलाऊंगा जिसका नाम है सिस्ट्रोलॉजी। इसमें है 5 बहनें, हर बहन के पास 2 ब्रेन सेल्स हैं, एक ब्रेन सेल कहता है कि रिकॉर्ड करो, दूसरा ब्रेन सेल कहता है कि अपलोड करो। और फिर है इनके मामा और पापा, क्या कूल वालिदैन है। ये वालिदैन नहीं है, ये व्लॉग देन है। ऐसे कूल पेरेंट्स सबको चाहिए जो व्लॉगिंग करने दे, जो आपको मोबाइल में घुसने की फुल इजाजत दे दे, है ना, वरना हमारे माँ बाप कहते हैं हर वक्त फोन में घुसा हुआ है। और क्यों ना हो, जब पर बिटिया रानी माशाल्लाह से $20,000 आ रहे हो तो फिर तो माँ बाप पढ़ाई पे पाबंदी है। $20,000 गरीबो, घर जाएंगे इसमें तेरा पूरा घर चला जाएगा, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। सुन लो गरीबो, $20,000, हाँ जी, एक दाल चावल पे 2 दफा ग्रेवी मंगाने वाले, सुन लो, ले थूक दिया तेरी डिग्री पे। तुझे इस डिजिटल परिवार की जो लीड एक्ट्रेस है वो है इकरा कमल। जी हाँ, दिखने में ये लड़की बेशक आपको पार्लर वाली बाजी लगती हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये लड़की बहुत सियाणी है, कोयले की खान ढूंढ कर रखी है इसने, डेली व्लॉगिंग इसी ने ही शुरू की है, बाकी सारी बहनें तो नक्शे कदम पे चल रही हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान में सबसे सुपर हिट बिजनेस क्या है? आजम खान मिल्क शॉप? नहीं, बाबर आजम टायर शॉप? बिल्कुल भी नहीं। शादी? जी हाँ, शादी को तोड़ा, खुद ही देख लो ना, वेडिंग के टाइम दूल्हे से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी होती है? वेडिंग फोटोग्राफर की। कंजर्वेटिव खानदान की शादियों में भी जहाँ पे पार्टीशन होती है वहां पे भी औरतों वाले सेक्शन में सिर्फ एक ही बंदे को अलाउ करते हैं, वो है वेडिंग फोटोग्राफर। खानदान के बड़े खुद उसको भेज रहे होते हैं कि जा। अच्छा बात सुन, मेरी और मेरी बेगम की साथ में लेनी है। एक वेडिंग फोटोग्राफर ही होता है जो पूरे खानदान को उंगली पे नचा रहा होता है। आंटी आप थोड़ा सा साइड हो, थोड़ा सा और साइड हो, आप निकल जाए फ्रेम। हाँ जी, तो शादी वेडिंग फोटोग्राफर से लेके वेडिंग हॉल्स रेंट कराने वालों को सबके जोड़े होते हैं। तो बस फिर शादी जैसे ही हुई सिस्ट्रोलॉजी का करियर छत फाड़ के ऊपर चला गया। और भाई साहब कोई एक रस्म हो जो इन्होंने छोड़ी और जिन पे ब्लॉग ना बनाया हो, ओए होए होए, दूध पिलाई, जूता छुपाई, चटनी चटाई, मुंह दिखाई, मुंह लगाई, मुंह धुलाई, घूंघट उठाई, रस्म लाई, चिट्ठी कलाई, मुंह फुलाई, सब पर ब्लॉग्स किए भाई साहब, और पर बेटी एक ब्लॉग आया, यानी 5 ब्लॉग्स हैं हर एंगल से। नाच नाच के इन लड़कियों ने अपने सैंडल तोड़ दिए भाई साहब। अब मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि इनके व्लॉग्स ना देखो, नहीं नहीं यार, बिल्कुल देखो, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो फारिग लोगों के लिए बना रहे हैं, अगर आप फारिग हैं तो बिल्कुल देखें यार। देखो भाई, इनका कंटेंट उन लोगों के लिए है जो वेले वेले बैठ के ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर रहे, जिनके पास जिंदगी में कर रहे हैं कुछ ही नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते तो बिल्कुल देखें यार, आप तो उनकी नीच ऑडियंस है। नीच मार्केट होती है ना, ये उसको टारगेट करते हैं, ये उसको टारगेट है, इनकी नीच मार्केट है। आप टाइटल देख लीजिए, भाभी के साथ लड़ाई हो गई। अरे भाई, तो मैं क्या करूं यार, देवर को पकड़ो भाई, उसको दीवार पे लगाओ कोनी के साथ, उससे बोलो तुम्हारी बीवी ये हरकतें कर रही है, उसको कंप्लेंट करो ना, हम क्या करें। उसको धमकाओ ना यार कि तुम्हारी बीवी पे मैं टीवी तोड़ दूंगी, हम क्या करें इसमें घर। भाई यहाँ पर बोल रहे हो तुम क्या करें, तुम्हारी भाभी से लड़ाई हो गई तो, लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनको दुख देखने में मजा आता है भाई, दूसरे के घर में क्या चल रहा है। कॉलोनी में, गलियों में भी झगड़े हो जाते ना तो सारे लोग भेड़ हो जाते देखने के लिए, क्योंकि मजा आता है भाई देखने के लिए, इसीलिए खड़े होते हैं। मजे लेते, पीछे से मजाक उड़ाते, वही बात होती है, और उनका काम भी हो रहा है और लोगों का काम भी हो रहा है, वही बात। बिल्कुल,
के मसले घर में रखो ना भाई। पहले लोग लड़ाई करते थे घर में तो इस बात का ख्याल रखते थे, ऊंचा ऊंचा नहीं बोलो, मोहल्ले वालों को पता लग जाएगा, अच्छा नहीं लगता। अब लड़ाई हो रही है, लोग फोन निकाल रहे, मेरी बीवी मेरे को बेलन से मार रही है, भाभी ने मुझे माँ की गाली दे दी, बहू गोल्ड लेके भाग रही है। अजीब बात है भाई, आपकी भाभी आपसे सही नहीं चल रही तो हम क्या करें, भाभी को वीडियो कॉल पे हम समझाएं क्या यार? कुछ भी कुछ भी। कैरेक्टर टूट गया। बारिश का पानी घर में आ गया, ये टाइटल्स देखें ना किस तरह सनसनी फैलाने वाले टाइटल्स है। और आप जब वीडियो देखेंगे तो हल्का सा पानी है, बालकनी में थोड़ा सा पानी है, कोई मसला नहीं है इतना। और शिट मम्मा, टेरेस में पानी जमा हो गया सारा, तो भरता जाएगा। उस पे आप बाजी की एक्टिंग चेक करें, ₹50 तो काटे सबसे पहले एकरा कवल के। आप ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह। आप ये पानी देखें यार, ये शर्म से डूब के मरने जितना पानी भी नहीं है, ये बंदी उसको सैलाब बता रही है, पूरा पानी घर में आ गया, पानी में घर डूब गया। पापा ने मुझे हाथ पकड़ के बचा लिया, राबिया सैलाब में बह गई। सैलाब के बाद हम घर की छत पे आ गए, ईरानी रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। बात का बतंगड़ बनाना भाई साहब कोई इन बहनों से सीख ले। अब ये व्लॉग चेक कर लीजिए जिसमें जैनब नहीं मिल रही, जैनब कहीं गुम हो गई है, तो सब परेशान है कि भाई जैनब को ढूंढो यार, $20,000 का पर मंथ घाटा हो जाएगा यार, ढूंढो उसको। हेलो अस्सलाम वालेकुम पापा जी, जैनब का जैनब नहीं मिल रही है, सब जगह देखे हैं। बिटिया रानी मिल नहीं रही, न फोन उठा रही न कुछ। फिर आंटी से जब पूछा गया कि अरे आपकी बेटी नहीं मिल रही, आप परेशान नहीं हो रही, तो फिर ये देखो आंटी ने बोला क्या, बैठी हुई है बस इधर ही कहीं होगी, कहाँ जाना है। बहु रामी आंटी जी, बहु रामी, क्या बात है, सेविज जवाब हो गया, लव यू हो गया। पता है आंटी रूपा माँ वाला जवाब था, होगी व्यूज के लिए छुपी होगी और क्या। बंद करो कैमरे को, बंद करो ये कैमरा, एग्जैक्टली हमारी भी फिल्म, बंद करो कैमरा, बवाल हो गया, इधर वीडियो बना रही हो। कसम से आंटी सिर्फ $20,000 की वजह से चुप है, वरना इन सबका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती, जैसे हमारी अम्माएं होती हैं, हर वक्त मोबाइल में गुस्से हुए, कुछ भी हो जाए भाई, सैलाब आ जाए, धरती फट जाए, जलजले आ जाए, लेकिन इकरा कमल का व्लॉग रुकेगा नहीं साला। किसी भी तरह का इवेंट हो ना, ये लड़की व्लॉग करने से नहीं रुकेगी, ये कयामत के दिन भी व्लॉग कर रही होगी, बता रहा हूँ। गाइस जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त कयामत आ रही है, जमीन 200 में फट रही है, और ओ मेरा गोल्ड प्ले बटन, गाइस ये देखो पहाड़ के से रुई की तरह उड़ रहे हैं ना, है ऐसे ही बताया हुआ था ना। गाइस जल्दी चलो, हमें पता चला है कि दज्जाल आ चुका है, वो लोगों को भटका रहे, हम भी देखे कैसे भटका रहे हैं। गाइस चेक करो ये दज्जाल की एक आंख, चेक करो, अरे ये दज्जाल मुझे आंख मार रहा है। गाइस इस वक्त मैं हिसाब किताब की लाइन में खड़ी हुई हूँ, हाँ मैं उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूज आखिरत में मुझे काम आएंगे। मेरी वो शैतान एक रिश्तेदार है, वो भी इधर ही खड़ी हुई है। तो गाइस आप बताएं कि हम जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे, कमेंट राइट नाउ। किसी जिंदगी के इवेंट को सीरियस ले लो यार। अब ये हरकत देखो इनकी, अपने मुंह पर इन्होंने मेकअप किया नन वाला और जाके अपने मियां को डरा दिया। इस बंदे की एक्टिंग चेक करें, एक्टिंग चेक करें इस बंदे को यार, आई फाट अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेट करो भाई, गोल्डन ग्लोब का नहीं पता लेकिन गोल्डन गोबर अवार्ड यही बंदा डिजर्व करता है। अबे जाओ यार, ऐसे डर गए हैं, जो बंदा इकरा कमल को बिना मेकअप के रोज देख रहा है वो भूतनी से डर गया है, भूतिया समझा है क्या? म्यूजिक का भी शौक है, ये म्यूजिशियन भी है, सिंगर भी है, तसव्वुफ को भी समझती हैं, अंडरकवर मलंगनी है, एक बॉलीवुड का इनका कोई फेवरेट गाना है जो इनको लगता है कि खुदा इनके लिए कह रहा है, वो खुदा का कलाम है। जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू, सीने में तेरे उतरा हूँ मैं, चूके मुझे तू पहचान लेना, लम्हा तेरा ही गुजरा हूँ मैं। बाऊरा में कराची बाऊरा, गाना अच्छा गाया है। मुझे एक बात बताओ, इस गाने में वो शायर बोल रहा है कि छू के मुझे तो पहचान, छुएंगे कैसे अल्लाह ताला, कैसे छुएंगे हैं नहीं ना, इसलिए ये गाना एक इंसान के लिए बना, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास है दो ब्रेन सेल, एक ब्रेन सेल बोलता है रिकॉर्ड करो, दूसरा बोलता है अपलोड करो, है ना, तो तीसरा है नहीं, आप क्यों लगा रही है, देखो एरर 404 हो जाएगा, दिमाग में चीचू चीचू हो जाएगा, समझ रहे हो, नहीं करो।
सुकून से आप जाओ टीवी पे बेबी शार्क डू 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 लगाओ। अगर आपने दो की टेबल याद कर ली ना तो हम समझेंगे आपने अपने हिसाब से बहुत बड़ा मार्का मार लिया। लेकिन आप म्यूजिक को कंटिन्यू रखें इकरा बाजी, प्लीज म्यूजिक को कंटिन्यू रखें, सिंगिंग को आप परसू करें। हूं प्यार तेरा, सिंगिंग को परसू करें, आप टीवी पे गाएं यार, ताकि बंदा चैनल तो चेंज करे। नहीं सीरियसली यार, हमें एक और बढ़ता हुआ स्टार चाहिए जो चाहत फतेह अली खान को टक्कर तो दे सके। असल में इकरा बाजी, ये जो पियानो या हारमोनियम होते हैं ना जिसमें कीज होते हैं, सात सुर होते हैं, तो आपकी जो असल में जो की है ना वो की है क्योंकि वो हारमोनियम में तो नहीं है। पता नहीं, अब्बा का हारमोनियम देखना पड़ेगा जो वो बजाते थे, शायद उसमें हो। अबे साले, मीनवाइल आप शाविर के एक्सप्रेशंस देख ले ये देखो, शाविर भी लाइक कहाँ फंस गया हूँ यार। अच्छा भाई ऑनेस्टली, मैंने इनके व्लॉग्स रिसर्च की खातिर देखे तो बहुत एडिक्टिव हैं, बड़े एडिक्टिव किस्म के व्लॉग्स हैं, आपका दिल चाहेगा और देखूँ। लेकिन आप देखो ना, हर एडिक्टिव चीज़ अच्छी तो नहीं होती ना, सिगरेट भी एडिक्टिव होता है। अच्छा भाई जो भी है, अब एक बंदा हाथ धो के नहीं मुंह धो के पूरा नहा के इनके पीछे पड़ गया और वो है ये हसन बेग। झूठ बोला तो देख लो, बच्चों के चैनल्स बनाए हैं इन्होंने। अबे भाई वो एक पता नहीं कोई लेबर रूम में जाती है, उसकी वीडियो है भाई कि मेरी बीवी जो है लेबर रूम में चले गई है। ठीक है भाई, समझ आ गई, आराम से बात कर ले भाई, आराम से ईजी हो जाए, ईजी। इस बंदे को मैंने ना कभी ईजी सुना ही नहीं है। ये किसी को शादी की मुबारक दे देना, वो बंदा उसी दिन तलाक भी ले लेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, शादी की मुबारक हो तुम्हें, सही काम किया तुमने। भाई गलती हो गई भाई, मैं आज ही तलाक के पेपर ले आता हूँ भाई। कैसा आदमी ये कि सलाम किस तरह करता होगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बस चले इस बंदे को पकड़ के कुर्सी के साथ बांध के इसको हेडफोन लगाऊं और 24 घंटे इसको एक ही गाना सुनाऊं, बेबी काम डाउन हसन मियां, आपका एतराज करना सब अलग बात अपनी जगह, लेकिन एक बात है, ये इस्लामिक कार्ड नहीं यूज करना भाई साहब, है ठीक है, बाकी सारे यूज कर लो, कल्चर सकाफत नहीं है हमारी, ये नहीं थे वो नहीं, सब यूज कर लो, इस्लामिक टच नहीं देना इसको, है सही है ना। ये लेजर से रिमूव करा लो वरना ये पहले चले। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और का तवा लगाते हुए। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ठोको सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि आपका भाई इज बैक इन द गेम बेबी। मुझे दे इजाजत, मैं चलता हूँ, गुड बाय। बहु रामी रोस्ट था भाई ये सिस्टोलॉजी का, बाकी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी हो इन्होंने, एक फ्रेंडली टाइप के रोस्ट लगा मेरे को, बाकी लॉजिकल था सब चीज़, इन्होंने बिल्कुल लॉजिकली बोला और अच्छा था, मतलब एक अवेयरनेस रोस्ट भी कह सकते इसको, एक हेल्दी रोस्ट। बाकी सिस्टोलॉजी की फैन फॉलोइंग तो मानना पड़ेगी यार, उन्होंने कुछ तो है उनमें बात के, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है और एडिक्टिव तो होते हैं उनके व्लॉग, जो उन्होंने बोला भी इस वीडियो में वाकई में। और रोस्टिंग सॉरी प्रैंक जो करते हैं वो कई बार लगता है कि हाँ स्क्रिप्टेड प्रैंक है, हमने रिएक्शन भी किया हुआ उनके प्रैंक पे, लेकिन स्क्रिप्टेड हो या रियल प्रैंक हो पर्पस एक ही है भाई, एंटरटेनमेंट, तो कई लोग उसको सच मान के देख ही रहे हैं तो उनका हो तो एंटरटेनमेंट ही रहा है। तो बिल्कुल जैसे वैसे ही जैसे WWE हम बचपन में सच मान के देखा करते थे और एंटरटेनमेंट अपना किया करते थे, वैसे ही बात हो गई यहाँ पे, एंटरटेनमेंट की पूरी बात है और कुछ और नहीं। वो है। सही में भी ट्राई करते होंगे कि मतलब प्रैंक करे प्रॉपर, जो सामने वाले को ना पता हो, लेकिन क्या पता भाई प्लान उनका एग्जीक्यूट करता होगा कि नहीं करता होगा, जब कर जाता होगा तो भाई रियल प्रैंक होता होगा, जब नहीं करता होगा तो एक्टिंग हो जाती होगी। तो ये व्लॉग के अंदर ऐसा होता ही है भाई, जो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करती फिर उसको प्लानिंग के तहत करते हैं। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, और समा भाई का रोस्ट कैसा लगा, कमबैक रोस्ट, कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।